गुड मॉर्निंग क्लास फाइव, सारे बच्चे ध्यान देंगे बाबू। अभी आपका चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसमें हम लोग 2 तक वीडियो का पार्ट 2 जा चुका है आप लोगों के पास, और आज हम लोग वीडियो के पार्ट 3 में देखने वाले हैं क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स। हम लोग टेबल कंटेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, यू कैन क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट बाई चूजिंग द हेडिंग इन योर डॉक्यूमेंट। आप अपने कंटेंट के हेडिंग को चूज करते हुए, सेलेक्ट करते हुए आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 etc. डैट यू वांट टू इंक्लूड इन योर टेबल ऑफ योर कंटेंट, जिसको आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट में रखना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड सर्च इज फॉर हेडिंग डैट यू हैव चूजन फॉर्मेट्स एंड इंडेंट ऑफ एंट्री टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू हेडिंग स्टाइल एंड देन इंसर्ट अ टेबल ऑफ कंटेंट इन टू योर डॉक्यूमेंट्स। इसके जरिए आप टेबल ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपने इसमें लगा सकते हो। ठीक है ना, सारे बच्चे समझ रहे होंगे। तो इसके बाद इसमें आप लोग समझेंगे टेबल हेडिंग के, जहाँ हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो भी हमारा फाइल रहेगा या डॉक्यूमेंट रहेगा, उसका हेडिंग के अनुसार हम लोग उसमें हेडिंग ऑफ कंटेंट या फिर टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर सकते हैं। जो भी हमारा टेक्स्ट होगा, हेडिंग स्टाइल होगा, टेबल होगा, वो सारे हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको इसमें गैलरी का भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसके जरिए आप तरह तरह के स्टाइल को भी वहाँ लगा सकते हो। ये भी चीज़ आप लोग समझ लेना। ठीक है, मेक एंट्रीज फॉर अ टेबल ऑफ कंटेंट। आप टेबल ऑफ कंटेंट में एंट्री कैसे लगाएंगे, कैसे एंट्री करोगे, एंट्री करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे ईजीएस्ट तरीका है कि आप बिल्ट इन स्टाइल को यूज करें जो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी दिए गए होते हैं। ठीक है, पेज लेआउट में ये डिज़ाइन आपको मिल जाएगा, जिसके जरिए आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे बुक के पेज नंबर 96 में आप देख रहे होंगे यहाँ बिल्ट इन स्टाइल का यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुला होगा। ये डायलॉग बॉक्स में अलग अलग तरह के स्टाइल होते हैं, जिसको आप सेलेक्ट करके यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इन मार्क एंट्री बाई यूजिंग बिल्ट इन हेडिंग स्टाइल। कोई भी एंट्रीज को अपने बिल्ट इन हेडिंग स्टाइल में कैसे ऐड करेंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, जो जो अंडरलाइन कर रहे हैं या फिर टिक कर रहे हैं बाबू लिख लेना। ठीक है ना, सेलेक्ट द हेडिंग टू विच यू वांट टू अप्लाई द हेडिंग स्टाइल। सबसे पहले आप अपने हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे जिसको आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, ऑन द होम टैब के अंदर इन द स्टाइल ग्रुप के अंदर क्लिक ऑन हेडिंग स्टाइल डेट यू वांट, जिसको आप लगाना चाहते हैं। ठीक है, उसको आप लोग सेलेक्ट कर देंगे कहाँ पे, स्टाइल ग्रुप के अंदर, हेडिंग स्टाइल के अंदर, समझ गया। सेकंड पॉइंट में एक कहा था, तीसरा पॉइंट हमारा कहा था अप्लाइंग हेडिंग 1 टू ऑल मेन हेडिंग एंड हेडिंग 2 स्टाइल फॉर सब हेडिंग एंड सो ऑन। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई 1 करेंगे, यानी कि मान लेते कोई हेडिंग 1 है जिसको हम लोग हेडिंग के लिए कर देंगे, और हेडिंग 2 जो होगा उसको हम लोग सब हेडिंग के लिए यूज करेंगे। मान लेते हेडिंग 1 हमारा ब्रांडमेट हो गया, इसके लिए हम लोग हेडिंग 1 करेंगे, और हेडिंग 2 हमारा जो है कंप्यूटर है, इसको हम लोग हेडिंग 2 रखेंगे, जिसको हम लोग सब हेडिंग बोलते हैं। हेडिंग 1 यानी कि मेन हेडिंग जो होता है वो, और उसमें छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग सब हेडिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखना मार्क इंडिविजुअल एंट्रीज, हर एक एंट्रीज को आपको मार्क करना है। आप कैसे मार्क करेंगे इसके बारे में ज़रा ध्यान देना है। ठीक है, इफ़ यू वांट द टेबल ऑफ कंटेंट इंक्लूड टेस्ट डैट इज़ नॉट फॉर्मेटेड एज योर हेडिंग, आप अगर देखना चाहते हो कि जो भी आपके टेबल ऑफ कंटेंट है वो एज ए हेडिंग वो फॉर्मेटेड नहीं किए गए, यू कैन यूज़ द प्रोसीजर टू मार्क इंडिविजुअल टेक्स्ट एंट्रीज। आप कुछ अलग से प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप एंट्रीज को मार्क कर सकते हो। ठीक है, कैसे, इसके कुछ नियम हैं, इसके नियम फॉलो करने के लिए आपको कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे। कुछ स्टेप के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बुक के जरिए, जिसको आप फॉलो करके अपने प्रोसीजर को इंडिविजुअली मार्क कर सकते हैं। ठीक है, पहला, सेलेक्ट द टेक्स्ट डेट यू वांट टू इंक्लूड इन योर टेबल ऑफ कंटेंट। वैसे टेक्स्ट को आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे जो आप टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड करना चाहेंगे। उसके बाद आप लोग देखेंगे ऑन द रेफरेंस टैब इन द टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप, टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप के अंदर क्लिक ऐड टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ऐड टेक्स्ट पर, जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा क्लिक द लेबल डैट यू वांट टू लेबल योर सेलेक्शन सच एज लेबल 1 मेन लेबल डिस्प्ले इन योर टेबल कंटेंट। आप यहाँ पर लेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, लेबल 1 हो जाएगा हमारा मेन हेडिंग, लेबल 2 होगा सब हेडिंग, उसके बाद लेबल 3 जो हमारा है वो डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट हो जाएंगे। तो इस पॉइंट को भी आप लोग लिख लेंगे तीनों पॉइंट पर। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, रिपीट स्टेप 1, 2 and 3 अंटिल यू लेबल ऑल द टेक्स्ट डैट यू वांट टू डिस्प्ले इन योर टेबल ऑफ कंटेंट। आपको
1, 2 एंड 3 तीनों को रिपीट करते रहना है, कंटिन्यू करते रहना है, जिसके जरिए आप लोग उसको टेबल ऑफ कंटेंट को क्या करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट को जब तक आप अपने किसी भी फाइल में ना लगा लें, समझ गए। उसके बाद अगला कहता है क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम बिल्ट इन हेडिंग स्टाइल। आप बिल्ट इन हेडिंग स्टाइल के हेल्प से टेबल ऑफ कंटेंट कैसे क्लिक करेंगे। तो बेसिकली इसको हम लोग अपने प्रोसीजर में ऐड करने के लिए, प्रोसीजर को नया बनाने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं, बिल्ट इन हेडिंग स्टाइल को, यानी कि जो प्रोसीजर हमारा नया बनाना चाहते हैं, जो लिखने का तरीका हम लोग नया बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग इस बिल्ट इन हेडिंग स्टाइल का यूज करते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि आपके बुक में कंटेंट्स होते हैं, सबसे पहले लाइन में कुछ इस तरह के पेज देखेंगे, ठीक है, पेज नंबर इतने में। तो इसको अगर हमको बनाना पड़ेगा तो कैसे हम लोग बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम लोग करेंगे पहला क्लिक वेर यू वांट टू इंसर्ट अ टेबल ऑफ कंटेंट। सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा जहां आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हैं। यूजुअली ऑल द बिगनिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, अपने बिगनिंग जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसके सबसे शुरू में ही टेबल ऑफ कंटेंट हम लोग बनाते हैं। आपके बुक के कंटेंट ही आपके बुक के लास्ट में रहता है? नहीं, आपका बुक का कंटेंट सबसे पहले रहता है, ठीक है। अब देखेंगे ऑन द रेफरेंस टैब, रेफरेंस टैब के अंदर में इन द टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप, टेबल ऑफ ग्रुप कंटेंट ग्रुप के अंदर क्लिक टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक द टेबल ऑफ कंटेंट स्टाइल डेट यू वांट। तो जैसे ही टेबल ऑफ कंटेंट स्टाइल पर क्लिक करेंगे आपके पास तरह तरह के ये सारे स्टाइल आ जाएंगे, जो कि आप पेज नंबर 97 में जाके देख सकते हो। इसमें से हम लोग को जिसको लगाना होगा उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, वो हमारा अप्लाई हो जाएगा। फिर अब बात आता है कि टेबल ऑफ कंटेंट लगाने के बाद अगर हम चाहते हैं उसको चेंज करना, तो चेंज करने के प्रोसेस को हम लोग अपडेट बोलते हैं, अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। अगर आप उसमें कुछ नया हेडिंग लगाना चाहते हैं या फिर कुछ एडिट करना चाहते हैं या फिर रिमूव करना चाहते हैं, तो आप टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, तीन स्टेप हमारे पास इसको फॉलो करने के लिए। तो ये तीनों स्टेप मैं आपको समझाता हूँ और तीनों स्टेप को आप अपने हेडिंग के साथ लिखेंगे। हेडिंग हमारा, मैंने हेडिंग को भी अंडरलाइन कर दिया है, इस हेडिंग को देखते हुए आप लोग लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस टैब के अंदर, ऑन द रेफरेंस टैब द टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप क्लिक अपडेट टेबल। आपको रेफरेंस टैब में जाने के बाद अपडेट टेबल पर क्लिक करना पड़ेगा, जो कि आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, लेफ्ट साइड अपर की ओर, ठीक है। अपडेट टेबल यहाँ पे जहाँ पे ऐड टेक्स्ट था हमारा, वहीं पे हम लोग अपडेट टेबल का ऑप्शन देखेंगे। वहाँ पे अपडेट करने के बाद आपको पूछेगा पेज नंबर, ठीक है। आपको अपडेट क्या करना है, अपडेट पेज नंबर करना है या फिर अपडेट कुछ और भी करना है? तो आपको पेज नंबर मान लेते हैं कि हम लोगों को पेज नंबर अपडेट करना है, ठीक है। अपडेट पेज नंबर ओनली और अपडेट एंट्रीज टेबल एज रिक्वायर्ड। उसके बाद हम लोग ओके कर देंगे, ओके करने के बाद वो अपडेट हो जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट में हमारे पास बचता है डिलीटिंग टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट को हम लोग डिलीट कैसे करेंगे? तो डिलीट टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट को डिलीट करने के लिए ऑन द रेफरेंस टैब इन द टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप क्लिक टेबल ऑफ कंटेंट्स। आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट, आपको क्लिक करना पड़ेगा रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट, देन उसके बाद आपका टेबल रिमूव हो जाएगा, समझ गए। सॉरी, सारे बच्चे ध्यान देंगे। उसके बाद आपका रिकैप आता है, रिकैप में आप सारे बच्चे ध्यान देंगे कि जो कुछ भी इस चैप्टर में पढ़ाया गया वो सारे रिकैप में एक बार इसको आप लोग पढ़ लेंगे, आपका रिकैप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को आज एक काम देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज आप लोग भी कुछ मेहनत करें, ठीक है। तो ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं है, बस सिर्फ 5 फिल इन द ब्लैंक्स है। आप सारे बच्चे ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स करने की कोशिश कीजिए, ये 5ों फिल इन द ब्लैंक्स खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूँगा, नेक्स्ट क्लास आपका जो रहेगा वो मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को आपका नेक्स्ट क्लास रहेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको चेक करने वाला हूँ, ठीक है, सारे बच्चे समझ गए। और नेक्स्ट क्लास में चेक करने के बाद उसी क्लास में मैं ये 5ों क्वेश्चन आंसर आप सभी बच्चे को भेजूँगा, ये 5ों क्वेश्चन आंसर आप सभी बच्चे के पास चला जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 10 होगा, ठीक है, समझ गए सारे बच्चे। ओके, थैंक यू। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।